जैसे जैसे 22 जनवरी ये वक्त ये तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे ही पूरे देश में राममय माहौल और राम भक्ति से जुड़े तमाम गीतों की जो लिस्ट है अब और लंबी होती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग समय पर लगातार गायकों के राम से जुड़े तमाम भक्ति गीतों को शेयर कर रहे हैं, एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं, उनकी सराहना कर रहे हैं। और आज इसी कड़ी में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मशहूर गायक हरिहरन जी, किसी परिचय के मोहताज नहीं। और आज चर्चा और बातचीत इनसे इसलिए क्योंकि आज इनके द्वारा गाया गया गीत भगवान श्री राम को समर्पित, सबने तुम्हें पुकारा श्री राम, आज इस गीत को प्रधानमंत्री ने एक्स पोस्ट पर शेयर किया, सराहना की और भक्तों से और जनता से अपील की है कि इस भक्ति से जुड़े इस गीत का आप आनंद लीजिए। तो हरिहरन जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका हरिहरन जी। और सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपका गाया हुआ गीत शेयर किया है, कैसा लगा जी? जी जी, बस मैं इतना खुश हूं कि बयान नहीं कर सकता हूं, मैं कुछ शब्द नहीं है मेरे पास, और आश्चर्यचकित हूं। मतलब सुबह 8 बजे मैं फोन बजने लगा तो मुझे लगा क्या हो रहा है कि वो ट्वीट देखा मैंने, और फिर मैं तब से मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। बिल्कुल हरिहरन जी, आपकी इसी खुशी को अब अपने गीतों के जरिए आप इजहार कर सकते हैं जनता के लिए। जी जी जी, भाई वही भजन गाता हूँ मैं जो उन्होंने ट्वीट। सबने तुम्हें पुकारा श्री राम जी, देना हमें सहारा श्री राम जी, हो सबने तुम्हें पुकारा श्री राम जी, देना हमें सहारा श्री राम जी, मेरे राम जी हो प्यारे राम जी हो न्यारे राम जी हो सबके राम जी हो, सबने तुम्हें पुकारा श्री राम जी, देना हमें सहारा श्री राम जी। तो हरिहरन जी, श्री राम ने आपकी पुकार सुन ली, और शायद क्योंकि आप खुद कह रहे हैं आपने खुद भी अंदाजा नहीं किया था किस तरह से आपके गाने को भी पीएम शेयर करेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा बहुत प्यार है मतलब उन्होंने दिया मुझे। और ये भजन क्योंकि मैं गाया इसलिए नहीं कह रहा हूं मैं कि बहुत सरल भजन है और बच्चे सारे लोग गा सकते हैं, जो गाते भी नहीं है वो भी गुनगुना सकते हैं इस भजन को। अच्छा, तो इस गाने को गाने का आइडिया, हालांकि इससे पहले भी आप कई भक्ति भरे गीत गा चुके हैं, लेकिन क्योंकि देश पूरा राममय माहौल में डूबा हुआ है, इसीलिए आपके भी मन ने कहा और ये आवाज उठी कि राम के लिए गीत गाया जाए। नहीं नहीं, ये गाकर बहुत अरसा हो गया है ये गाना जो है, ये अच्छा। प्रचलित है वैसे भी। जी जी जी, बिल्कुल, आपके वचन सभी की जुबान पर चढ़े रहते हैं। तो मैं चाहती हूँ इस राममय माहौल में एक और गीत हो जाए श्री राम को समर्पित। जी, बिगड़ी बात बना दे राम, बेड़ा पार लगा दे राम, बिगड़ी बात बना दे राम, बेड़ा पार लगा दे राम, युग युग से मैं भटक रहा, युग युग से मैं भटक रहा, अब तो राह दिखा दे राम, बिगड़ी बात बना दे राम, राम हे राम सिया राम हे राम। बिल्कुल, भगवान श्री राम सबकी बिगड़ी तो बना ही रहे हैं, लेकिन कैसा लगता है आपको हरिहरन जी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार प्रधानमंत्री हर दिन
किसी ना किसी गायक के जिन्होंने श्री राम के लिए गीत गाए हैं उन्हें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रहे हैं, उनकी सराहना कर रहे हैं। और देखिए हम देख भी रहे हैं कि और ज्यादा हर दिन पर दिन गायक श्री राम से जुड़े गीत गा रहे हैं। जी 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 बिल्कुल। कैसा लग रहा है आपको हरिहरन जी? बहुत खुशी महसूस हो रही है कि ये जो मेन स्ट्रीम में स्पिरिचुअलिज्म जो उभरा हुआ है, जो पॉजिटिव एनर्जी, ये बहुत ही अच्छी बात है। क्या कुछ कहना चाहेंगे क्योंकि अयोध्या को लेकर हर जगह हम देख रहे हैं बहुत भव्य आयोजन किया जा रहा है, किस तरह से आप देख रहे हैं इसे? राममय है सब कुछ। सुबह उठकर हाय कहने की जगह पे राम राम, ये भी बहुत अच्छा लगता है। देखिए आप, यहाँ से शुरुआत है, है? और क्योंकि एक राम राम जो उनका पर्सनालिटी है वो मर्यादा पुरुष है, जिस तरीके से उन्होंने अपने जीवन बिताए हैं, वो जो राम जी, तो उससे सीखने को बहुत मिलता है। इज वेरी इंस्पायरिंग, इज अ हीरो, ही इज मर्यादा पुरुष जो है, जो हीरो कैरेक्टर जो हम लिखते हैं, आइडियल कैरेक्टर, वैसे हैं राम जी। तो उनके मतलब उनका गुण गाना तो मतलब वो पुण्य की बात है, उनका उनका भजन गाना, उनके बारे में चर्चा करना, उनके मतलब प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है 22 तारीख को, ये तो बहुत बड़ी बात हो रही है, तो हिस्टोरिक। तो आप जा रहे हैं, बुलावा आया आपके पास 22 जनवरी के जी, लिए? जी बिल्कुल, वो उनकी राम जी के आशीर्वाद से मुझे भी बुलावा आया। तो क्या इस आयोजन, भव्य आयोजन को लेकर आपको भी निमंत्रण बड़ा मिला है और ये सौभाग्य आपका होगा कि आप उस पल के साक्षी होंगे, क्या कहना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत एक लाइफ का बहुत बड़ा एक मोमेंट है, हिस्टोरिक मोमेंट, और मैं बस यही कहूंगा कि मैं धन्यवाद करता हूं कि मुझे ये मौका भगवान ने दिया। अच्छा हरिहरन जी, अगर 22 तारीख को आपके सामने ऑन द स्पॉट आपसे कह दिया जाए श्री राम के लिए एक भक्त, एक भक्ति भरा गीत हो जाए, तो कौन सा गुनगुनाएंगे? अब प्रिपेयर होके जाइएगा। ए मणि पोकट तुरा श्री रामा, ए मणि पोकट तुरा श्री रामा, ए मणि पोकट तुरा श्री मनपा मणि बिल्कुल। देखिए ये आपका सौभाग्य है कि आप उस पल के साक्षी होंगे और ये हमारा सौभाग्य है कि आज आप हमसे अपनी ये फीलिंग्स शेयर कर रहे हैं। लेकिन जाते जाते एक गीत और भगवान श्री राम के लिए, भगवान हनुमान के लिए, क्योंकि आज मंगलवार का दिन है तो बहुत जरूरी हो जाता है कि एक भगवान हनुमान को भी एक समर्पित एक गीत हो जाए, क्योंकि आपने कई गीत गाए भी हैं, सुने हैं मैंने। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। बहुत अच्छा लग रहा है और जिस तरह से आपका सॉन्ग अब इस तरह से और ज्यादा प्रचलित हो जाएगा, हालांकि पहले से ही वो सॉन्ग प्रचलित था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेयर किया है। एक अलग लेवल में ये गाना जो लोग सुनेंगे और हाँ। बस ये श्री राम ही कहूंगा मैं, जय श्री राम। बिल्कुल हरिहरन जी, जब आप इतना गदगद महसूस कर रहे हैं, इतना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, तो सोचिए वो कलाकार जो अभी नई पीढ़ी है, जो अपनी गायकी के इस क्षेत्र में जिन्होंने कदम रखा है, उनके लिए हौसला अफजाई पीएम द्वारा करना कितनी बड़ी बात होगी? बहुत बहुत ही बहुत बड़ी बात है, मतलब ये तो सोच ही नहीं सकते। किसी ने कहा कि आपने सोचा कभी? मैं मतलब कैसे सोचूं मैं और क्यों सोचूं मैं, कैसे मतलब
ये तो भगवान का दिया हुआ एक वरदान है, बस एक प्रसाद है, बहुत बड़ा प्रसाद है। और क्या कहें, 22 जनवरी को मौका मिलेगा, पीएम से आपकी मुलाकात हो, क्या सबसे पहले कहेंगे उनसे? बस मैं उनसे जय श्री राम कहूंगा और बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपको आपने ट्वीट किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हरिहरन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी फीलिंग्स हमारे साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि आज एक बहुत बड़ा दिन आपके लिए भी है। शायद जो पल आपने सोचा नहीं था आज वो आपके साथ हुआ है। आपका गीत पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्होंने शेयर किया और इसके लिए शायद आपके पास भी शब्द नहीं है, और जय श्री राम के साथ ही एक धन्यवाद उन्हें कहने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय श्री राम। जय श्री राम।